देश के दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, उनकी नापाक हरकतों पर हैरानी भी नहीं होती है, लेकिन जब हमारे देश के अंदर बैठे लोग गद्दारी करने लगे तो यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी आदत में ही शुमार होता है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। ये बातें इसलिए क्योंकि देवबंद से फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सामने आई हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आ गई है। बता दें कि देवबंद में देश विरोधी गतिविधियां लगातार सामने आती रहती है, आतंकी घटनाओं से भी यहां के तार कई बार जुड़े पाए गए हैं। एनआईए सहित कई सुरक्षा और जांच एजेंसियां देवबंद में छापेमारी कर संदिग्धों की धरपकड़ करती रही है, लेकिन अब देवबंद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी पुलवामा हमले और मदरसा छात्र की घिनौनी हरकत की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दारुल उलूम के छात्र की गंदी हरकत, एक्स पर लिखा दूसरा पुलवामा भी होगा, तो छात्र को एटीएस ने किया गिरफ्तार, आतंकी कनेक्शन की हो रही जांच। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवबंद से पुलिस ने एक मदरसा छात्र को हिरासत में लिया है। छात्र पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। उसने पोस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा, जिसके बाद पोस्ट से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि छात्र के कहने का मतलब है कि जैसे पहले पुलवामा में सैनिकों को मारा गया था, दूसरी बार जल्द ही ऐसे ही सैनिकों को मारा जाएगा। बता दें कि आनन फानन में पुलिस ने छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। एटीएस भी आरोपी छात्र से पूछताछ कर रही है। पोस्ट के बाद खुफिया एजेंसियां भी अब अलर्ट हो गई हैं। 9 वर्ष से पहले धमकी वाली पोस्ट को लेकर पुलिस गंभीर है। हिरासत में लिया गया आरोपी छात्र झारखंड का रहने वाला है। वह सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित मदरसे में दीनी तालीम सीखने आया है। झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है आरोपी। आरोपी छात्र से हो रही कड़ी पूछताछ, खंगाले जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स, धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर सरायकेला का रहने वाला मोहम्मद तालहा मजहर देवबंद के एक मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रहा है। तालहा पर एक्स पर धमकी भरी पोस्ट करने का आरोप है। पोस्ट में तालहा ने दूसरा पुलवामा जैसा हमला करने की धमकी दी है। पोस्ट को लेकर सहारनपुर पुलिस ने आरोपी छात्र तालहा को हिरासत में लिया। उसके खिलाफ जिले के थाना देवबंद की खानखा चौकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी छात्र से पुलिस और एटीएस पूछताछ कर रही है। आरोपी छात्र तालहा ने एक्स पर लिखा था कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। वही तालहा ने सोशल मीडिया पर पुलवामा जैसा हमला दोहराने की धमकी दी, तो देश प्रेमियों ने उसे आड़ों हाथों ले लिया, कार्यवाही की मांग उठाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने मामले की शिकायत यूपी पुलिस से की, जिसके बाद सहारनपुर पुलिस हरकत में आई और छापेमारी कर धमकी देने वाले मोहम्मद कद तलहा पर शिकंजा कस दिया। स्थानीय पुलिस, लोकल एटीएस और खुफिया विभाग के अधिकारी उससे लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं। आरोपी छात्र के व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब, गूगल के साथ अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। सहारनपुर एएसपी डॉक्टर बिपिन तारा ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। देवबंद में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया है। इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस युवक से पूछताछ की जा रही है। एक संयुक्त टीम बनाई गई है पूछताछ हेतु, और उसमें जो भी तथ्य पूछताछ और जांच में सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एटीएस के स्थानीय यूनिट और पुलिस मिलकर अब इस छात्र के सभी कनेक्शन खंगाल रही है। ये छात्र किन किन लोगों से बात करता है, इसके फोन में कौन से व्हाट्सएप ग्रुप है और यूट्यूब पर क्या क्या देखता है, गूगल पर क्या क्या सर्च करता है, इसके साथ साथ जहां रहता है वहां क्या क्या साहित्य है और कौन कौन सी किताबें पढ़ता है, इस तरह छात्र के बारे में
पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया अकाउंट पर कट्टरपंथी इस्लामिक गतिविधियों से जुड़े पोस्ट भी मिले हैं। एटीएस जांच कर रही है कि छात्र किसी आतंकी संगठन से तो जुड़ा हुआ नहीं है। छात्र के मोबाइल को कब्जे में लिया गया है। वही छात्र मजहर के साथ हॉस्टल में रहने वाले एक अन्य छात्र को भी हिरासत में लिया गया, उससे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने भी एक्ट पर लिखा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी अप्रैल 2022 में यूपी एटीएस ने दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहे एक संदिग्ध छात्र को गिरफ्तार किया था। यह छात्र बांग्लादेश का बताया जा रहा है। यह छात्र देवबंद में फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहा था। उसके पाकिस्तान कनेक्शन भी निकले थे। तलहा तालुकदार बिन फारूक नाम के इस छात्र के संपर्क प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से निकले थे। इसका संपर्क भोपाल में पकड़े गए जेएमबी के चार अन्य सदस्यों से भी था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी इस मामले जांच कर रही थी। तलहा ने बांग्लादेश से भारत में घुसने के बाद फर्जी आधार और पैन भी देवबंद से ही बनवाया था। इस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। लेकिन एक बार फिर जैसे ही पुलवामा हमले को लेकर पोस्ट सामने आया है, उसके बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और उस घटना की भी चर्चा तेज हो गई है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। तो चलिए जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। बात 14 फरवरी 2019 की है, जब पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था। तभी अचानक हमारे 40 जवानों के पुलवामा हमले में शहीद होने की खबर आई थी। 14 फरवरी 2019 दोपहर 3:15 का समय, जबरदस्त बर्फबारी के 7 दिन बाद 13 फरवरी को ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर से खुला था। पूरे रास्ते जगह जगह गाड़ियां फंसी थी, लंबी कतारें थी। आम गाड़ियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ियों का काफिला भी जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होता है। सीआरपीएफ के जवान जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ले जाए जा रहे थे। सीआरपीएफ के काफिले में 78 गाड़ियां थी, इनमें बस, ट्रक और एसयूवी थी। इन गाड़ियों में कुल 2547 जवान और अफसर सवार थे। हर बस और ट्रक में 35 से 40 जवान सवार थे। आमतौर पर सुरक्षा कर्मियों के ऐसे काफिले की अलग से सुरक्षा होती है। इन काफिलों के बीच आम गाड़ियों की आने की इजाजत नहीं होती। बता दें कि सीआरपीएफ का यह काफिला अभी पुलवामा से गुजर ही रहा था कि तभी काफिले के बीच एक एसयूवी गाड़ी काफी तेजी से आती है और दो बसों के बीच टकरा जाती है। एसयूवी की बस से टक्कर होने की इतनी जबरदस्त धमाका होता है कि उसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। धमाका होते ही उन बसों के परखच्चे उड़ जाते हैं जिनसे एसयूवी टकराई थी। धमाका होते ही चारों तरफ आग के शोले का गुब्बारा उठने लगता है। इसके बाद काफिले में शामिल जो गाड़ियां जहां थी वहीं थम जाती है। बाकी गाड़ियों से फौरन जवान बाहर निकलते हैं और अपने साथियों की मदद में जुट जाते हैं। मौके पर तस्वीरें बेहद डरावनी थी। कहते हैं कि एसयूवी में करीब 200 किलो विस्फोटक रखा था। जाहिर है कि टक्कर के बाद एसयूवी के भी परखच्चे उड़ गए होंगे। जिस तरह से एसयूवी को बस के बीच लाकर टक्कर मारी गई थी, उससे यह साफ था कि यह एक फियादीन यानी आत्मघाती हमला था। हमले के बाद इधर बाकी जवान अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर अपने साथियों के पास भाग रहे थे। तभी दूसरी तरफ आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड और गोलियों से हमला बोल दिया, यानी कि एसयूवी गाड़ी में मौजूद फियादीन के अलावा और भी आतंकी वहां पर मौजूद थे। बाद में सभी घायल जवानों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। वक्त बढ़ने के साथ साथ शहीद जवानों की गिनती भी बढ़ती चली गई। 4, 8, 18, 20, 22 होते होते गिनती 40 तक जा पहुंची। उधर हमले के बाद ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बयान जारी कर मामले की जिम्मेदारी लेता है। जैश ने दावा किया कि जिस एसयूवी से जवानों की बस पर हमला हुआ वो जैश का आतंकी आदिल रशीद डार चला रहा था। वहीं सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने 8 फरवरी को ही सुरक्षा एजेंसियों को घाटी में बड़े आतंकवादी हमले का अलर्ट भेजा था। सुरक्षा एजेंसियों के रिपोर्ट में कहा गया था कि घाटी में आतंकी आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा जांच के बाद जवानों के काफिले को निकाला जाए। डर यह भी था कि इस अफरा तफरी में आतंकी
काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों को भी निशाना बना सकते हैं। लिहाजा सभी गाड़ियों को रोककर पहले पूरे रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उसके बाद ही सीआरपीएफ के काफिले को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। तो इस तरह से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। और अब एक बार फिर से इस छात्र की हरकत ने पूरे देश के लोगों का खून खौला दिया है। हालांकि इसकी नापाक हरकत के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।